विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के शिवपुरी जिले के मझेरा गांव में रहने वाली बेटी मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल हासिल कर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर का नाम रोशन किया है। मझेरा की रहने वाली मुस्कान का पिछले दिनों कॉमनवेल्थ के लिए चयन हुआ था, जिसमें उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। शिवपुरी के छोटे से गांव में मुस्कान शेख के पिता दारा मोहम्मद एक पोल्ट्री फार्म संचालित करते हैं। शिवपुरी की बेटी मुस्कान ने न्यूजीलैंड में आयोजित हुई ओपन फेडरेशन की वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 4 गोल्ड जीतकर जिले का नाम रोशन किया। मुस्कान ने 4 इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीते। मुस्कान 63 किलोग्राम वर्ग में सब जूनियर ग्रुप में खेली। उसने बेंच प्रेस में 57.5 किलो वजन उठाया तो स्क्वाट में 105 किलो वजन। मुस्कान की डेड लिफ्ट 120 किलो की रही। इसके अलावा उसे टोटल इवेंट में भी गोल्ड मिला है। 63 किलोग्राम वर्ग में किसी भी इवेंट में कोई उससे ज्यादा वजन नहीं उठा सका। मुस्कान की सफलता के पीछे उसके पिता का हाथ है। पिता मोहम्मद दारा खान बास्केटबॉल के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। वो देश के लिए गोल्ड जीतना चाहते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी हाथ की उंगलियां कट गई थीं, जिससे उनका ये सपना अधूरा रह गया था। मुस्कान की बचपन से ही कुछ कर गुजरने की ललक थी। मोहम्मद दारा खान बेटी को हर रोज 20 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़ने जाते और साथ लेकर आते थे, जिन्होंने बेटी के हुनर को देखते हुए एक खेल प्रतिभागी के तौर पर मुस्कान की तैयारी शुरू करवाने यहां वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की तैयारी करवाई। कोरोना काल के बाद पावर वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और देखते ही देखते मुस्कान ने जिला स्तर से लेकर संभाग स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहरा दिया। इसके बाद उसका चयन न्यूजीलैंड में होने वाली कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में हुआ था, जहां उसने ये कमाल कर दिया। मुस्कान के परिवार में काफी खुशी है। जी, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मेरी बेटी ने वो सब कुछ किया जिसका मुझे एक सपना था मेरे लिए, तो उसने मेरे सपने को पूरा किया। दरअसल बेटियां जब कुछ अच्छा करती हैं तो पिता का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है, और अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे उस काबिल हो जाते हैं कि हम बच्चों के नाम से जाने जाएं, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। हेलो, मुस्कान हियर। अभी न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 चल रही है, जिसमें मैंने वेट कैटेगरी 63 में सब जूनियर्स में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के साइड से। और अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ और मैं बता नहीं सकती मुझे यहाँ पर होके कितनी खुशी मिल रही है। मैं सबसे पहले इस चीज़ का क्रेडिट अपने पापा को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए। अगर वो मेरे लिए इतना नहीं करते, मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं आ पाती। और मैं बोलना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। और हमारे SP सर, कलेक्टर सर, मेरे कोच सर, जिन्होंने मुझे इतना सिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, उन लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो मैं कहना चाहूंगी कि आज मेरा मेडल आया है तो आप सभी लोगों के वजह से आया है। तो थैंक यू सो मच, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं उनको बहुत बहुत दिल से दरअसल मेरा जो बचपन था वो बहुत गरीबी में गुजरा और घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, और उस सब के बावजूद मैंने संघर्ष जारी रखा, स्पोर्ट्स को अपने को जारी रखा था। लेकिन एक हादसा हुआ, उस हादसे की वजह से फिर मैं आगे खेल नहीं पाया, तो वो मेरा सपना अधूरा था। हैंडबॉल में मतलब आप नेशनल खेल लिए थे? हाँ, मैं उस वक्त हैंडबॉल में मेरा लगभग सिलेक्शन हो गया था, स्पोर्ट्स कोटे में ही भर्ती थी और आगे खेल ही खेलना था मेरे को, लेकिन वो अब किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। उंगली में उस समय कुछ हाथ एक्सीडेंट की वजह से जो फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से ये मैं आगे नहीं खेल पाया, वो एक अलग हादसा था। लेकिन अब बेटी ने जो आपकी तमन्ना है वो पूरी कर दी एक तरीके। बेटी ने तो फक्र से सीना चौड़ा कर दिया, वो अब बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है। सरकार से मेरी एक ही वो है मांग कि सरकार को स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि हर माँ बाप जो है उतना खर्च नहीं उठा पाते, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत खर्च होता है, पैसा बहुत खर्च करना पड़ता है, वक्त भी लगता है, तो ये सारी चीज़ें सरकार को करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि
हमारे देश के जो नेता हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश में मामा कहलाते हैं, बेटियों का विशेष ध्यान रखते हैं, और उन्होंने उनको जैसे ही इस बात का पता चला कि मुस्कान ने न्यूजीलैंड में गोल्ड मेडल जीते हैं, इंडिया का नाम रोशन किया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मुस्कान को बधाई दी, उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में हमारी खेल राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उसको सपोर्ट किया। और इससे पहले जब मुस्कान जा रही थी तो सिंधिया महाराज के पीए का जो भोपाल में है उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था और उन्होंने उसे मुस्कान का और मेरा अकाउंट नंबर भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे कि उन्होंने उसमें आगे कोई बात नहीं हो पाई। बहरहाल मुस्कान आज विश्व विजेता बन चुकी है तो उसका मेरे लिए, दरअसल बड़े बेटे के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है और क्योंकि मेरा एक बिजनेस है तो बेटे को मैं अपने साथ रखना चाहूँगा। बेटा पूरी बड़ा फैमिली का जब बेटा होता है तो उसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और मेरा मानना यही है कि पिता की सारी जिम्मेदारियाँ बड़ा बेटा उठाता है, तो बेटे के ऊपर वो जिम्मेदारी है तो वो फैमिली की वो जिम्मेदारी उठाएगा, बिजनेस को करेगा, आगे बढ़ेगा। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, कोई भी भाई काफ़ी गर्व महसूस करेगा जब उसकी बहन इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के लिए मेडल लाती है, और इस चीज़ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि कितनी खुशी और कितना गर्व महसूस हो रहा है। मुझे काफ़ी गर्व है उस पर, तो इस चीज़ की काफ़ी खुशी। मैं पापा ने पहले मुझसे बोला खेलने के लिए, बट मेरा स्टार्टिंग से गेम्स के प्रति इतना मन था नहीं, मेरा जो मन था वो एक्टिंग में था, बट एक्टिंग का सीन ऐसा था कि घर का बिजनेस था, मैं बड़ा था तो मैं बाहर नहीं जा सकता था, तो फिर अब जो प्रॉपर है जो ध्यान मैं देता हूँ वो टोटल बिजनेस पे देता हूँ, क्योंकि पापा को भी अब सहारा तो मुझे ही बनना है, तो घर का ख्याल भी मुझे ही रखना है, तो भाई बहनों का भी रखना है, तो उस वजह से मुझे अब बिजनेस में ज्यादा मजा आता है। और बहन के साथ की कुछ आनंदित जो बातें हैं पुरानी कुछ याद है कि मतलब इस तरह की किस तरह? ऐसे तो रोज ही कोई ना कोई नई बात होती है, भाई बहन में झगड़ा ज्यादा होता है वो तो रोज ही होता है, बट अभी के जो रिसेंट टाइम का मैं बताऊं आपको तो क्या है, मैं उसको ट्रेनिंग कराने शाम को मैं लेके जाता हूँ जिम, तो उसकी डाइट का भी ध्यान रखना होता है, वो क्या है थोड़ी चंचल है, उसको अपने पेट पे काबू नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी उसको दिखा तो वो उसको खाना है। अब क्या है पापा भी गुस्सा करते हैं, मैं भी गुस्सा करता हूँ, मत खाया कर, तो हफ्ते में 2-3 बार मैं उसको डांट देता हूँ, मेरी लड़ाई होती है उससे, क्यों, क्योंकि वो खाती है मानती नहीं है, मैं डांट देता हूँ फिर रोती है पापा के पास चली जाती है, तो बस ये रूटीन में रेगुलर चलता रहता है, क्योंकि डाइट नहीं करेगी तो वेट का पुट ऑन हो जाएगा, और बस इसीलिए थोड़ा झड़प उसके खाने के पीछे ही होती है, तो वो थोड़ा मुझसे कुछ अच्छी आनंद क्षण है जो उस समय के बस। शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा सागर मध्य प्रदेश, हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।